Students, today I will teach you the English literature, chapter number 1, A New House, page number 13. You didn't lock it, said Coraline. Coraline इसको मम्मी को पूछा तुमने लॉक नहीं किया? Her mother struck. Why should I lock it? She asked. It does not go anywhere. Coraline did not say anything. तो उसका मदर ने बोला, मम्मी ने बोला, क्यों हम इसको लॉक करें? ये तो कहीं पे जाता नहीं है. तो Coraline ने कुछ नहीं बताया ये सुनकर. It was nearly dark outside now. इसका जो आउटसाइड था डोर का वो बहुत ही अंधेरा था. एंड द रेन वॉज स्टिल कमिंग डाउन और बारिश जो हो रहा था वो अभी भी हो रहा था. पैटरिंग अगेंस्ट द विंडोज एंड ब्लरिंग द लाइट्स ऑफ द कार्स इन द स्ट्रीट आउटसाइड और बारिश हो रहा था और जो कार्स का जो लाइट है वो विंडो से बहुत ही दिखाया जा रहा था. कॉरलिन्स फादर स्टॉप्ड वर्किंग एंड मेड देम ऑल डिनर. तो कॉरलिन्स फादर क्या बोला, उसको सब लोग उसको जो लैपटॉप में काम कर रहा था वो स्टॉप कर दिया और सबको डिनर तैयार करने के लिए कहा. कॉरलिन वॉज डिस्गस्टेड. कॉरलिन को बहुत ये बात अच्छा नहीं लगा. डैडी शी सेड यू हैव मेड ए रेसिपी अगेन. उसको वो बोला पापा तुम फिर वही रेसिपी बना रहे हो. इट्स लीक एंड पोटैटो स्ट्यू विद ए ट्रैगन गार्निश एंड मेल्टेड ब्रूरीज चीज ही एडमिटेड. ये ट्रैगन क्या होता है, ए स्मॉल लीव यूज टू फ्लेवर यूरोपियन डिशेस और गार्निश होता है ये फूड डेकोरेशन. तो उसके पापा ने बोला ये पोटैटो का एक डिश है जो ये जो यूरोपियन डिश का जो फ्लेवर है इसको ये एक लीफ है इसको देकर उस वो यूरोपियन डिश का फ्लेवर लाता है क्योंकि चीज देकर. कॉरलिन साइड एंड then she went to the freezer and got out some microwave chips and microwave mini pizza. कॉरलिन को ये बात अच्छा नहीं लगा. कॉरलिन साइड तो वो फ्रिज के पास गया और माइक्रोवेव कुछ माइक्रो से कुछ चिप्स निकाला और छोटा पिज्जा निकाला. यू नो आई डोंट लाइक रेसिपी. तुम जानते हो ये रेसिपी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. शी टोल्ड हर फादर. While her dinner went around and the little red numbers on the microwave oven counted down the zero. तो माइक्रोवेव में वो सब कुछ डाल दिया और माइक्रोवेव घूमता रहा और उसका जो टाइम उसको दिया था माइक्रोवेव में वो काउंट डाउन करते करते जीरो हो गया. If you tried it made by You had like it, said Coraline's father, but she shook her head. अगर तुम इसको ट्राई करना चाहते हो तुम इसको तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो. तो Coraline's father ने यह बोला बट Coraline ने उसका घर हिलाया. That night Coraline lay awake in her bed. उस रात में Coraline क्या था बहुत रात तक उसका बिस्तर पर जगा रहा था. The rain had stopped, बारिश थम गया and she was almost asleep when something went. और वो जब सो गया था तब कोई जा रहा था. सी सेट अप इन द बेड. वो अपने बिस्तर पे उठकर जगकर उठा. समथिंग वेंट क्री अप. समथिंग कुछ जा रहा था जिसका आवाज ऐसा हो रहा था. कॉरलिन गॉट आउट ऑफ बेड एंड लुक डाउन द हॉल. कॉरलिन उसका बेड से उठ गया और जो डाइनिंग हॉल था उसमें देखा बट सॉ नथिंग स्ट्रेंज. पर कुछ दिखाई नहीं दिया. She walked down the hall. तो वो हॉल पे जा गया. For her parents' bedroom came a low snoring. That was her father. And occasional sleeping mutter. There was her mother. तो उसका जो parents का जो bedroom था उससे snoring का आवाज आ रहा था जो उसका पापा का है और जो उसका मामी सो रहा था वो भी वो देख रहे थे. Coraline wondered if she had dreamed it, whatever it was. तो Coraline बहुत ही विस्मित हो गया कि वो क्या सपना देख रहा था. सो समथिंग मूव्ड, कुछ चला गया. सो अप टू दिस.